रुड़की से बड़ी खबर। धरने पर बैठी भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश, मतगणना स्थल के बाहर धरने पर ममता राकेश बैठी है। ममता राकेश ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जीते हुए प्रत्याशी को 8 घंटे बाद भी नहीं दिया गया प्रमाण पत्र, ये ममता का कहना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रुड़की से धरने पर भगवानपुर से कांग्रेस की विधायक है ममता राकेश, वे बैठी हैं मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठी हैं और उनका कहना है कि अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। जीते हुए प्रत्याशियों को 8 घंटे बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। और विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत बताएं कि अभी तक भी ये धरना जारी है, क्या अधिकारियों की बात हो रही है, क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अनु, जिस तरह से हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है मतगणना चल रही है, आज दूसरा भी मतगणना का था, लेकिन जिस तरह से लगातार सुबह से ही जो बसपा है, भीम आर्मी है और अब कांग्रेस है, वो उनका भी जो है विरोध सामने आने लगा है। यानी जिस तरह से जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको 8 घंटे बाद भी जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये भगवानपुर से जो कांग्रेस विधायक है ममता राकेश, उन्होंने ये बयान दिया है और उसी को लेकर वो है जो है मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई है। और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से 8 घंटे बीत चुके हैं लेकिन उन्हें जो जीत का प्रमाण पत्र देना होता है वो नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है जरूर संदेह विधायक ममता राकेश जता रही है। लेकिन फिलहाल क्या क्या आशंका विधायक को लग रही है, क्या नतीजा बदलने की कोई कोशिश है, इस तरह के वे आरोप लगा रहे हैं और इस पर सफाई क्या दे रहे हैं अधिकारी, कि वे क्या कारण बता रहे हैं कि 8 घंटे हो गए और अभी तक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये अधिकारियों का भी यही जो है कहना है कि जिस तरह से लगातार जो प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, तो यही रुड़की ब्लॉक का भी मामला था कि जिस तरह से सुबह से कुछ जो प्रत्याशी जीते थे उन्हें भी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे, तो उनका कहना है कि आप जो प्रत्याशी जीते हैं वो ब्लॉक से भी आकर प्रमाण पत्र ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काउंटिंग जो चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से देरी हो रही है तो शायद उस वजह से भी कुछ कार्य अधिकारी बता रहे हूँ, लेकिन अभी मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल इसी मामले को लेकर जो है कांग्रेस विधायक ममता राकेश वो भी इसी को लेकर धरने पर बैठी थी। फिलहाल अभी उनका यही कहना है कि जो प्रत्याशी जीत चुके हैं उनको उनका प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।